तो चलो प्यारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है कि एक सिंपल पेंडुलम कंस्ट्रक्ट बाय अटैच ए बॉब ऑफ मास एम, स्ट्रिंग एल लेंथ की है, अपर एंड पे बॉब ऑसिलेट इन ए वर्टिकल सर्कल। इट इज फाउंड दैट स्पीड ऑफ बॉब इज बी व्हेन द स्ट्रिंग मेक एंगल थीटा विद वर्टिकल। फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग। देखो टेंशन किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए, अगर ये लेंथ एल है, बॉब का मास एम है, किसी एंगल मान लेते हैं बॉब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है और बॉब अपना यहाँ पर है, ठीक है, तो इसके पास स्पीड बी होगा, तो हम किसी भी पॉइंट पे टेंशन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम है और सिर्फ तुम्हें दो काम करना है, एक है एनर्जी कंजर्वेशन लगाना, एक सेंटीपेटल का इक्वेशन लिखना है। तो डॉट डॉट वाली ये वाली लाइन ऐसे टेंजेंशियल वाली लाइन है और ये वाली लाइन स्ट्रिंग के लॉन्ग वाली लाइन है और ये यहाँ पर एक वर्टिकल वाली लाइन है बच्चों। तो अगर ये थीटा है तो ए भी तो थीटा होगा, तो एम जी तो वर्टिकली डाउनवर्ड जा ही रही होगी, तो एम जी का एक कॉम्पोनेंट इधर आ जाएगा जो होगा एम जी कॉस थीटा, और एम जी का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा जो होगा एम जी साइन थीटा। तो अगर स्ट्रिंग में टेंशन इधर आ जाएगा टेंशन टी, तो किसी भी पॉइंट पे टेंशन का इक्वेशन लिख सकते हो, एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर टेंशन अगर निकालना है तो सेंटीपिटल क्या होता है, सेंटीपिटल होता है नेट रियल फोर्स, नेट रियल फोर्स टुवर्ड द सेंटर, नेट रियल फोर्स टुवर्ड सेंटर। तो सेंटर की तरफ जाने वाले नेट रियल फोर्स कौन से होंगे भाई, जो सेंटीपिटल देंगे, तो टेंशन में से एम जी कॉस थीटा घटा दो, ठीक है ना, एम जी साइन थीटा तो उसको नीचे लाएगा, और ए बनेगा इस पॉइंट पर एम बी स्क्वायर, एल स्ट्रिंग की लेंथ एल थी, तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी एम जी कॉस थीटा और प्लस एम बी स्क्वायर ओवर एल। तो दिस इज फाइनली टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो यही किसी भी पॉइंट पे टेंशन है, और अगर एग्जैक्ट इसको निकालना है तो थीटा की वैल्यू निकाल लो, या लेंथ के टर्म में चाहते हो तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना, और वो हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सीखेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।